करें शुरू। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार साथियों, मैं मोहम्मद आरिफ, चेयरमैन ट्रैक्टर यूनियन जम्मू कश्मीर। आज हम हमारी जो ट्रैक्टर यूनियन के मेंबर्स हैं और सोशल एक्टिविस्ट आरएसपुरा से आए हैं, तो साथियों जो आपने देखा मेरे पीछे जो मंजर देख रहे हैं, ये हमारे जम्मू कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर बन रहा है, नई तरक्की हो रही है जम्मू कश्मीर में। 370 टूटने के बाद जो सपने दिखाए थे हमें केंद्र सरकार ने, और इसी के साथ जो ये JDA ने कार्रवाई की है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि JDA जो है उसका पहले जन्म हुआ कि इंसान का पहले जन्म हुआ? तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो BR अंबेडकर जी ने हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बना के गए हैं या जो हमें उन्होंने देन दी है, उसमें सबसे पहले हर इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान देने का उसमें वादा किया गया है और उसमें लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कोई पेड़ काटने भी जाता है जंगल में, तो सबसे पहले जब पेड़ गिरता है तो किसी का घोंसला होता है, जो चिड़िया का, वो भी घोंसले को इंसान दूसरी जगह रख देता है, कि जो मकान है, जो अपना जिगर का टुकड़ा होता है, वो बहुत मुश्किल से बनता है। साथियों, हम JDA की कार्रवाई का इसका विरोध करते हैं और आने वाले दिनों में जो हमारी ट्रैक्टर यूनियन है वो बिल्कुल इन गरीब परिवारों के साथ है। हमारी जो ये लोग हैं, गरीब लोग थे जहाँ पे 47 से पहले के रह रहे हैं, हमने मोहल्ले वालों से भी पूछा, शहर के निवासियों से भी पूछा, उनका भी यही कहना है कि ये काफ़ी अरसे से दादा परदादा इनके जहाँ पे थे, तो हमें बड़ा दुख और तकलीफ़ हुआ। आज हमारा जो आंखें नहीं रोई, आज हमारा दिल और कलेजा रोया है, तो हम बहुत ही इस नाराज़ हैं इस कार्रवाई से JDA की। तो हम विरोध करते हैं और आने वाले दिनों में हम हमारी ट्रैक्टर यूनियन की तरफ से प्रोटेस्ट भी होगा और पूरा जो नेशनल हाईवे है, जो जम्मू कश्मीर के जितने भी पुल हैं, वो ट्रैक्टरों के समेत हम लोग आएंगे और इन लोगों को साथ लेकर चलेंगे। इन लोगों की हम बिल्कुल दिल लो जान से हम इनके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।